हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, एकता कपूर अब एक के बाद एक दोबारा से अपने न्यू सीरियल्स को लेकर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सुपर हिट हॉलीवुड मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट के कॉन्सेप्ट से मैच करता हुआ एग्जैक्टली वैसा ही एक एकता कपूर सीरियल लाने वाली है, जिसमें खुशाल टंडन और साथ ही साथ आपको कई और नए इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको बताएंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट अपकमिंग न्यू सीरियल की स्टार कास्ट से जुड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आखिर कौन है इस सीरियल की हीरोइन, कौन हो सकता है इस बार विलन, क्या है ये पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री के लीड एक्टर खुशाल टंडन का नाम इस शो के लिए सामने पहले ही आ गया, लेकिन बाकी एक्टर्स स्टारकास्ट का नाम रिवील नहीं किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर हीरोइन के तौर पर आपको इस सीरियल में लीड एक्ट्रेस के किरदार में नजर आएंगी ईशा सिंह। वहीं बाकी के करेक्टर्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी में एक विलन होगा, विलन जो ज़बरदस्ती खूबसूरत हसीना यानी कि ईशा सिंह से शादी करना चाहता है, और वो नेगेटिव रोल निभाएंगे विवियन डी सेना। विवियन डी सेना को काफ़ी वक्त से टेलीविजन में किसी भी सीरियल को करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन इससे पहले ईशा और विवियन की साथ में जोड़ी सिर्फ तुम नाम के सीरियल में नज़र आ चुकी है, जो कि कलर्स टीवी पर ही आता था। एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने आएंगे, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि लीड एक्टर्स की लिस्ट में अगला बड़ा नाम रोनित रॉय का है। खबर है कि ये किसी के पिता का किरदार या फिर एक ओल्ड कैरेक्टर का किरदार ही निभाएंगे। दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए शो और स्टारकास्ट के लिए? कहानी की अपडेट भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।